देश में पिछले साल हुए दिल्ली हिंसा में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और उसी लिस्ट में उमर खालिद का नाम भी शामिल था, जिसके खिलाफ हाल ही में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। जिसके बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने उमर खालिद के इस कबूलनामे पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने पूरे बॉलीवुड को आड़े हाथों लेते हुए हर उस सेलेब पर निशाना साधा है जिन्होंने शाहीन बाग धरना या फिर JNU छात्रों का समर्थन किया था। कंगना ने तंज करते हुए ट्वीट लिखा है कि बुली दाऊद फिल्म इंडस्ट्री का एक और भांडा फूट गया। जिन्होंने भी JNU छात्रों और शाहीन बाग धरने का समर्थन किया था वे भी आतंकवादी से कम नहीं हैं। उन्होंने भी दंगे भड़काने में सक्रिय भूमिका निभाई। हिंदुस्तान उठो और ये देखो। कंगना रनौत सिर्फ यही नहीं रुकी, उन्होंने बिना नाम लिए स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप जैसे सेलेब्स पर तंज कसते हुए लिखा कि अब वे माफी मांगेंगे। उन्होंने लिखा, अब ये साबित हो चुका है कि नागरिकता कानून के खिलाफ JNU छात्रों ने गलत प्रचार किया था। उन्होंने माना कि वे नफरत फैलाने में शामिल थे, अब ये फिल्मी जोकर क्या माफी मांगेंगे। दंगों में गई जान की भरपाई कैसे होगी। कंगना का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बॉलीवुड के एक तबके को अपना निशाना बनाया है। जब दिल्ली में शाहीन बाग का धरना जारी था उस समय भी एक्ट्रेस ने इसके खिलाफ खुलकर आवाज उठाई थी और आज फिर से कंगना ने एक बार फिर से इन सभी को निशाने पर लिया है। बता दें दिल्ली हिंसा पर चार्जशीट में उमर खालिद की हिंसा में सक्रिय भूमिका पर जोर दिया गया है। वहीं उनके खिलाफ बयान को भी शामिल किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदर्शन के दौरान महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब KC ग्रुप, दिल्ली।